दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज भूटान घूमने के लिए। भारत से भूटान एक आम नागरिक को जाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज होती है वो सब भी आपको वहाँ जाके बताएंगे। भूटान अभी 2.5 साल से कोरोना के बाद से बंद था, तो अभी 2.5 साल बाद ओपन हुआ है भूटान गेट। वहाँ जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रोसीजर है। और ये हम लोगों का पार्टी, एकलव्य एकलव्य की मम्मी नानी और हम लोग घूमने जा रहे हैं। एकलव्य की नानी और एकलव्य का पहला इंटरनेशनल टूर है, तो अभी चलते हैं, यहाँ से रवाना देते हैं। पहुँच के बाद में दिखाते हैं आपको रास्ते के नज़ारे और कैसा है भूटान, कैसा है भारत का सबसे सुंदर पड़ोसी देश। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भारत भूटान प्रवेश द्वार पे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये भूटान का प्रवेश द्वार है और ये हमारे SSP की निगरानी चौकी है, जिसमें हमने पूछताछ किया कि हमको अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले अपने रजिस्टर में हमारी गाड़ी के नंबर एंट्री कर लिए हैं। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं दिखाने पड़े हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम गाड़ी में टोटल 4 सवारी बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा है कि आप लोग ऐसा कीजिए केवल ड्राइवर ही गाड़ी में रहेगा, वो जाएगा इस गेट से, बाकी के सारे पैसेंजर उतर के। और एक अलग से गेट है साइड में, ये जो आप चौकी देख रहे हैं इसके पीछे की तरफ एक गेट है जहाँ पे आपको वोटर कार्ड दिखाना पड़ेगा। सबको वोटर कार्ड मस्ट है, और अगर छोटा बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों हम लोग ये पहुँच गए भूटान में। वो कहते हैं ना, जिंदगी एक सफ़र है और उस सफ़र को सुहाना बनाने के लिए घूमते रहना ज़रूरी है। तो देश के जिस भी कोने में आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बारिश की फुहार, सर्दियों की सिरन और गर्मी की तपिश कहीं भी आपको सता रही हो, तो ये भूटान के पहाड़ आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार है। भाई अपनी गाड़ी और चल पड़िए। ये देखिए भूटान की पुलिस है, ये जो गेट पे ID चेक कर रही है, वोटर कार्ड, और ये बंगाल के बाइकर्स हैं। तो हम लोग आ गए हैं अभी भूटान में, मैं और एकलव्य दोनों पहले आ चुके हैं गाड़ी से। आपको बताऊं मज़े की बात कि एकलव्य का अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना था, तो इसको मैं गाड़ी में अपने साथ बैठा के ले आया। और एकलव्य की मम्मी नानी और लखन उधर गेट से आए हैं, उनका वोटर कार्ड से एंट्री हुआ उधर, और हम दोनों ने अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का। तो दोस्तों ये है भूटान, आप देख रहे हैं सामने, और ये हमारी इंडिया आर्मी के ट्रक हैं। भूटान का सुरक्षा हमारी आर्मी करती है। और ये देखिए भूटान में भारत पेट्रोलियम पंप का पंप है। पहले यहाँ पे हाफ रेट में मिलता था इंडिया से डीजल पेट्रोल, लेकिन अभी मैंने देखा है तो पेट्रोल है 98 रुपये लीटर और डीजल है 99 रुपये लीटर, तो इंडिया से भी महंगा है, तो इसलिए हम यहाँ से गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं ले रहे हैं। यही बताने के लिए थोड़ा सा वीडियो में बनाया कि पहले से सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया है। और ये हमारी आर्मी, ये फैमिली वाले हमारे घूम रहे हैं अभी भूटान, और 4 महीने का एकलव्य पहला विदेशी टूर, मम्मी साथ में। ये आपको सामने है कुंचलिंग शहर, और ये मेन गेट जिससे मैं एंटर हुआ था, उधर इंडिया है उस तरफ। अभी हम लोग भूटान की तरफ खड़े हुए हैं। अभी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी और प्रोसीजर भी काफ़ी हार्ड कर दिया, तो अभी शहर के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें बदली हैं पहले से, क्या व्यवस्थाएं हैं। एक सेकंड। ये भूटान के गेट के अंदर आते ही इमिग्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे आपको थिम्पू जाने की परमिशन बनेगी। ये फ़ोटो खींचने वाली जगह है, यहाँ से फ़ोटो खींचेगी, और यहीं से हम लोगों को बाहर जाने का, अभी एग्जिट कार्ड लेने के लिए आए हैं तो एग्जिट कार्ड यहाँ से मिलेगा। तो ये है आपका इमिग्रेशन ऑफिस। ये देखिए काफ़ी सारी रोज़ हैं, यहाँ पंक्तियाँ हैं, दिन में भीड़ होता है तो सभी वर्किंग है, अभी रात को 9 बज रहे हैं इसलिए एक ही काउंटर चालू है, और वो लखन लाइन में लगा हुआ है एग्जिट कार्ड के लिए। तो ये है भूटान का इमिग्रेशन जो आप देख रहे हैं, देखते हैं क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीजर है। भूटान में इमिग्रेशन की प्रक्रिया, ये काउंटर पर बैठ के आपको वोटर कार्ड दिखाना पड़ेगा, फिर आपका परमिशन बनेगा थिम्पू जाने के लिए।
यस, वापस भारत में जाने के लिए एग्जिट कार्ड लेना पड़ेगा। मेन गेट में आते हैं तब एंट्री कार्ड देते हैं ग्रीन कलर का, और जाते टाइम में आपको एग्जिट कार्ड लेना पड़ेगा। उसी की प्रक्रिया के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी। अभी लखन का नंबर आएगा एग्जिट कार्ड बनवाने के लिए। जब हम लोग एंट्री हुए थे ना गेट पे, तो वोटर कार्ड दिखा के क्यूआर कोड जनरेट किया गया था, तो आपको वापस बाहर जाने के लिए वो क्यूआर कोड दिखाना पड़ेगा और वोटर कार्ड दिखाना पड़ेगा, फिर आपके यहाँ फोटो होगी एक कंप्यूटर के सामने। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको भूटान में आने और जाने की प्रक्रिया बताई है। ये अब देखें, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं आते टाइम में मैंने ग्रीन कार्ड लिया था, जो एंट्री कार्ड था उसको मैंने जमा दे दिया है। वोटर कार्ड दिखा के मैंने एग्जिट कार्ड दे दिया, उसको देखिए मैंने ये जो पुलिस वाले आए हैं भूटान के, इनको जमा करा दिया। और मैं अभी वापस इंडिया में जा रहा हूँ, और इधर मेरी फैमिली वाले हैं जिन्होंने वोटर कार्ड दिखा के एग्जिट हो गए।